डेली न्यूज 360.com में आपका स्वागत है। पेश है आज की बड़ी खबर। चीन ने गुरुवार को भारत के आर्मी चीफ बिपिन रावत के उस बयान की निंदा की है जिसमें उन्होंने डोकलाम को विवादित क्षेत्र बताया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीन के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्पोक्स पर्सन कर्नल वू क्यान ने कहा कि डोकलाम चीन का हिस्सा है, भारत को 73 दिनों के उस स्टैंड बाय से सबक लेना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। चीन ने भारत पर कोल्ड वॉर जैसी स्थिति बनाने का भी आरोप लगाया। उल्लेखनीय है कि कर्नल रावत ने आर्मी डे के मौके पर कहा था कि भारत को चीन से निपटने के लिए पड़ोसियों को साथ लेकर चलना होगा। इस पर उन्होंने कहा, भारत का पड़ोसियों पर प्रभाव बनाना उसकी कोल्ड वॉर की मानसिकता भी दिखाता है, चीन हमेशा इसका विरोध करता रहा है। उन्होंने आगे कहा कि डोकलाम चीन का ही हिस्सा है। पूर्वोत्तर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।